22 राज्यों में देखा जाने वाला नेशनल हिंदी न्यूज चैनल, लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। भारतवर्ष के किसी भी राज्य से जुड़ने के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7905250434। राष्ट्रीय हिंदी न्यूज चैनल R9 भारत। आकर्षक वेतन, भत्ता एवं बीमा सुविधा के साथ जल्द दिखेंगे जियो टीवी और फ्री डिश पर। देखते रहिए R9 भारत। नए अंचलाधिकारी को प्रमुख और उप प्रमुख ने किया साल उड़ाकर और बुके भेंट कर भव्य स्वागत। शुक्रवार के दिन अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी के पद पर नए अंचलाधिकारी सुनील कुमार पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उप प्रमुख नरेश यादव, समाज सेवी मंटू कुशवाहा ने नए अंचलाधिकारी सुनील कुमार को शाल उड़ाकर और बूके भेंट कर उनका स्वागत किया। वहीं प्रभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से भेंट वार्ता में अंचलाधिकारी ने बताया कि अतिक्रमण मुक्त करना मेरा प्रथम कर्तव्य होगा। RTPS में पूर्ण रूप से पारदर्शिता होगी। बिचौलियों को देखते ही जेल के हवाले किया जाएगा। आमजनों को कोई भी समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे सरकारी नंबर पर फोन कर सूचना दे देते हैं देने की कृपा करें। साथ ही साथ उनके कार्यों की निष्पादन कर दी जाएगी। साथ ही भूमि विवाद का निपटारा करना प्रमुख कार्य है। इस मौके पर CI राजेश्याम यादव, राजस्व कर्मचारी रघुनाथ चौधरी सहित सभी अंशुलाकर्मी व RTPS कर्मचारी उपस्थित थे। मजौरिया पश्चिमी चंपारण से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। अंचल अधिकारी के रूप में सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक ये मझोलिया पंचायत है, प्रखंड अंचल, उसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि यहाँ के लोगों को जो सही समय पर सुविधाएं मिलनी चाहिए, ससमय काम हो, इसके लिए मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। और इसमें अंचल स्तर पर और भी मतलब कि जो कमियाँ हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। इसमें हमारे स्टाफ की कमी है, उस कमी को कैसे दूर किया जाए इस पर विचार करके बड़े पदाधिकारी से उसका समाधान किया जाए। तो सही समय पर सब चीज का समाधान यहाँ हो। सबसे बड़ी समस्या सर, आपका एक सरिसवा बाजार है, वहाँ पर अतिक्रमण का है। क्या आपके रीजन में उस पर अमली जामा पहनाया जाएगा? बिल्कुल, अतिक्रमण के मामले में हम लोग का जो सरकार का जो राजस्व भूमि सुधार विभाग का पहला प्राथमिकता है कि अतिक्रमण कहीं भी हो, किसी भी प्रकार का हो, या अस्थायी हो या अस्थायी हो, उसको जल्द से जल्द मुक्त कराने का लक्ष्य है। उसको कराने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे और प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द उस पर ठोस कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण मुक्त। अंचल कार्यालय में आने वाले फरियादियों के लिए आप दो शब्द क्या बोलेंगे? अंचल कर सभी लोग का स्वागत है। जो भी समस्याएं हैं किसी भी तरह की, वो हमारे अंचल डायरेक्ट